भगवान का सहारा होता है। तो भगवान तो होता नहीं, भगवान तो दिखता नहीं, प्रत्यक्ष सरकारी दिखती है हर जगह, क्योंकि सरकार ने सभी चीज़ों पे अपना कब्जा कर रखा है। सरकार का कब्जा है, नदियों पे सरकार की चलती है, हम उसके हुक्म के गुलाम हैं। सरकार जो करेगी हम उसका पालन करेंगे। तो सरकार का काम क्या होता है? तो सरकार का काम होता है जनाब कि आपकी जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो आपके लिए कोई सहारा बन के खड़ा हो, उस चीज़ को कहते हैं सरकार। आप कितने अच्छे होटल में खाते हो, कितनी अच्छी सुविधा आपको मिलती है, वो सरकार का काम नहीं है। कौन सी फिल्म देखते हो या कितना एंजॉय करते हो, वो भी सरकार का काम नहीं है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाते हो और आप अपना इलाज कराने में असमर्थ हो, तो उस समय सरकार का रोल आता है। सरकार का काम आता है न्याय व्यवस्था में। अगर आपको न्याय नहीं मिलता या आप न्याय की ज़रूरत है आपको, सरकार का काम आता है जब आपकी सुरक्षा के विषय में। तो सरकारें ये काम करती हैं। ये विषय मैंने क्यों उठाया? सरकारें चलती हैं जनता के पैसे से, टैक्स से चलती हैं। वो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स से उनको पैसा मिलता है। और आपको ये समझना चाहिए कि जब जनता अपना पैसा देती है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए देती है और अपनी कॉमन चीज़ों के लिए देती है, ना कि सरकार में बैठे हुए लोगों को अपना प्रचार करने के लिए हैं, अपना गाना बजाने के लिए या फिर अपने प्रोग्राम करने के लिए। ये मैंने प्रोग्राम किया है, ये मेरे दो दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के। तो मनीष सिसोदिया जी बार बार मैसेज कर रहे हैं। वो मैसेज आप जानते ही हैं, आजकल पेड मैसेज होते हैं जो मैसेज खरीद लिए जाते हैं और वो मैसेज सभी लोगों को किए जाते हैं। तो वो मैसेज है कि साहब मयूर फेस्टिवल हो रहा है, आइए, आपका स्वागत है, फ्री पासेज हैं, फलाना बैंड परफॉर्म कर रहा है, कनॉट प्लेस में आइए, ये वाला बैंड परफॉर्म कर रहा है। तो सरकार क्या बराते निकालती है? सरकार क्या बाजा बजाने के लिए रखी है? हमने टैक्स दिया है कि आप जाके फेस्टिवल करोगे, सिंधी के फेस्टिवल करोगे या फिर आप उनके फेस्टिवल, पंजाबियों के फेस्टिवल करोगे, हमने इसलिए तो पैसा नहीं दिया। हमने पैसा दिया है हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमने पैसा दिया है हमें एजुकेशन में क्या काम कर रहे हो, हमने पैसा अपना लुटाने के लिए नहीं दिया। हमारे टैक्स के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं आप। हमें अगर पसंद होगा पंजाबी डांस, पंजाबी सॉन्ग, तो हम जाएंगे ना, अपने पैसे से खर्च कर लेंगे, देख लेंगे हम। अगर हमें पसंद होगा सिंधी फेस्टिवल कोई, तो हम कर लेंगे। सरकार का क्या रोल है साहब? सरकार क्यों ये फेस्टिवल आयोजित कराती है? इन फेस्टिवल को आयोजन में सरकार घपलेबाजी करती है, सरकारी लोग पैसा खाते हैं, सरकार उन बैंड को भी पैसा पूरा नहीं दिया जाता, जगह का मिसयूज होता है, अपने कार्यकर्ताओं को एंजॉयमेंट दिया जाता है, अपने नाम के पोस्टर लगाए जाते हैं और अपनी बहावाई कराई जाती है। ये इन लोगों को कोई काम नहीं है क्या? फेस्टिवल लगातार, फेस्टिवल ये, फेस्टिवल वो, फेस्टिवल। हम इनको देखिए, जो आपका हॉस्पिटल है दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मैं गया था रात को इमरजेंसी में, इतना बुरा हाल है। अगर उसकी इमरजेंसी को देखेंगे तो अगर मरीज है और उसको ज़्यादातर झगड़े के केस आते हैं, किसी का सर फटा होगा, किसी का कुछ फटा होगा, तो ब्लड ऐसे ही फैला रहता है, चादरें गंदी पड़ी हुई हैं, उसके लिए पैसा नहीं है इन लोगों के पास। डॉक्टर्स कितनी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, डॉक्टरों को सुविधा नहीं है कि वो चीज़ें क्या क्या उनको जो चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें, उनका भी तो मन है ना मरीज़ की सेवा करने का, कैसे करेंगे डॉक्टर्स, बताइए सेवा? अगर डॉक्टर करना भी चाहें तो उनको इक्विपमेंट नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। ये फेस्टिवल मनाने के लिए पैसा है। और क्यों फेस्टिवल मनाने के लिए हमने तुम्हें चुनाया है? हमने गाना बजाने के लिए चुनाया है? तुम अपनी पार्टी के पैसे से कराइए, अगर आपको कराना है अपने पैसे से कराइए। ये सरकार के पैसे से ये जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये जो चोचलेबाजी होती है, ये बंद होनी चाहिए। सरकार हमारी मुश्किल में मदद करने के लिए है, चाहे वो मोदी करे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल करे। सरकार किसी भी संस्कृति को बढ़ाने और बढ़ावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सरकारों का काम, लोग अपनी संस्कृति बढ़ाएंगे ना, मुझे अगर मैं सिंधी कम्युनिटी से हूँ और मुझे अपनी संस्कृति बढ़ानी है तो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कर लेंगे प्रोग्राम। सरकार को, सरकार से हमें बस इतनी सुविधा चाहिए कि साहब सरकार हमें जगह दे दे, कहीं पे रियायत दे दे। अब सरकार ही खुद कराने लग गई, तो कराने का मतलब क्या है इनका? तो सरकार का काम ये नहीं होता है। सरकार का काम होता है लोगों को मुश्किल वक्त में उसका साथ देना, हॉस्पिटल्स की अच्छा इंतजाम। बहुत बुरी दशा है हॉस्पिटल्स की,
स्कूलों का बहुत बुरा प्रचार में बेशक ही अच्छा दिखाते हैं लेकिन बहुत बुरा आलम है। अब इनका खुद नहीं चल रहा है तो ये विदेशों से लोग बुला बुला के घूम रहे हैं और वही दो चार स्कूल विजिट करा रहे हैं। स्कूलों का हाल ठीक नहीं है, स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग है वही बिल्डिंगें चल रही हैं और बिल्डिंगें ठीक है, स्कूलों के टीचर्स भी ठीक नहीं है, बस एक ज़बरदस्ती का सा प्रचार हर चीज़ में प्रचार हर चीज़ में प्रचार। ये तो बेहतर, इससे बेहतर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सीला की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कराया, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ठीक है मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, क्यों बना रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी का उठाइए, इतनी सारी डिस्पेंसरी हैं, उनकी बिल्डिंगें भी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें काम क्यों नहीं करते, क्योंकि अलग से कमाने का साधन नहीं मिलेगा। डिस्पेंसरी को अगर करेंगे सही से चलाएंगे, डिस्पेंसरी बिल्डिंग भी है आपके पास, डॉक्टर्स भी हैं आपके पास, फिर भी एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जो, क्योंकि डिस्पेंसरी में करेंगे तो इनका नाम नहीं होगा, इनका प्रचार नहीं होगा, उस पर अरविंद केजरीवाल के मोटे मोटे पोस्टर नहीं लगेंगे। एक झोपड़ी सी बना दी मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ जी मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट फ्री होता है तो डिस्पेंसरी में क्यों नहीं होता, डिस्पेंसरी की तो बिल्डिंग भी है। मैं लक्ष्मी नगर में जानता हूँ 5-7 डिस्पेंसरी है, उनकी हालत कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एक नई व्यवस्था खड़ी कर देते हैं वो व्यवस्था भी खराब हो जाती है, फिर एक तीसरा आएगा वो अपनी नई, ये इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक निकाला है वो उन्होंने गली क्लिनिक निकाल लेंगे या कुछ निकाल लेंगे, मतलब जिसका आ रहा है वो अपने ढंग से मनमाने तरीके से पैसे को उड़ा रहा है, किसी के पास समझ और बुद्धि की, जनता का पैसा मुफ्त का पैसा है, जिसे चाहिए जो चाहिए वो जनता, जहाँ सड़क बननी है वहाँ बनवा रहे हैं, जहाँ नहीं बननी वहाँ भी बनवा रहे हैं, मतलब इतना मिसमैनेजमेंट है। सिर्फ एक ही ध्येय है, दो ध्येय हैं, एक तो हमारा पैसा पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे प्रचार किया जाए। अभी अरविंद केजरीवाल कमाने पे फोकस नहीं कर रहा, कमाने कुछ, क्योंकि कमाने में तो पकड़े जाएंगे, तो ये फोकस कर रहे हैं प्रचार पे, हर चीज़ का प्रचार, मतलब कोई भी चीज़ की जा रही है, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जा रही है कि हमारा प्रचार प्रसार कैसे हो, हम प्रोपेगेंडा कैसे करें। अभी इतने सारे 4-5 राज्यों में इनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है, अभी भी ये चिल्लाते हैं, आंदोलन के लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की कितनी बुरी व्यवस्था है। अभी राम मनोहर लोहिया देखिए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का नहीं है, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है उसको देखिए जरा, एम्स देखिए और इनको देखिए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, ये चीखते हैं कि हम सेंट्रल से अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या बना रहे हैं, GTB में जाइए, कुछ भी, मतलब कुछ भी फैसिलिटीज़ क्या है, आदमी को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि इंसान नहीं है, कोई रेत, कोई बोरा है या कोई सामान है, उसको जैसे मुर्गियां दबड़े खाने में ठूस देते हैं ऐसे इंसानों को ठूस देते हैं, एक 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 बेड पे 3-3, 4-4 लोग, मतलब लोगों को जो जहां बैठ रहा है, डॉक्टर भी परेशान है, किसको क्या बीमारी लग जाएगी किससे कुछ पता नहीं, ना साफ़ सफाई का हिसाब है, उसमें फोकस नहीं है, इधर प्रचार कराएं, उधर प्रचार कराएं, पार्टी का प्रचार कराएं, ये इसी में सारा फोकस है। इनको जितनी जल्दी हो सत्ता से उखाड़ के फेंकना चाहिए, ये लोग ठीक नहीं हैं, ये लोग धूर्त लोग हैं, ये लोग गंदे लोग हैं। तो आज थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है लेकिन मुझे गुस्सा आया हॉस्पिटल की दशा को देखकर, तो इसलिए कहा है, तो इसको अन्यथा ना लें, ये एक आम आदमी का रोष है, गुस्सा है जो देख रहा है, इनका तमाशा देख रहा है कि ये दूसरों को शिक्षा